तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान का जो तांडव चल रहा है उससे तो सभी लोग रूबरू हैं। इसी के साथ जवान ने कल सेकंड सैटरडे यानी 10 दिन कंप्लीट करके आज संडे सेकंड संडे यानी 11वें दिन में एंट्री मार ली है और आज शानदार तरीके से अपना सेकंड संडे कंप्लीट करने जा रही है। और आज ऐसे ऐसे बड़े रिकॉर्ड टूटेंगे आज आप देखते रह जाओ, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो पिछले संडे को कितनी कमाई हुई थी सिर्फ हिंदी से 71 करोड़ की, वो भी सिंगल डे में। आज तक कोई भी मूवी कर नहीं पाई है, ना हॉलीवुड ना बॉलीवुड ना पैन इंडिया मूवी। और पूरी दुनिया से 135 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन किया, बॉलीवुड की नंबर वन मूवी बनी, क्योंकि हिंदी सिनेमा से किसी ने भी 100 करोड़ तक टच नहीं किया था, सिर्फ पठान ने किया था, लेकिन मूवी ने इसे भी क्रॉस कर दिया। तो आज भी ऐसे ही रुझान देखने को मिलेंगे, हालांकि पिछले संडे की तरह इतनी बड़ी कलेक्शन तो नहीं करेगी, लेकिन मे बी मैक्स टू मैक्स आज की बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन करें मैक्सिमम बहुत ही ज्यादा तो 70 करोड़ तो टच कर ही जाएगी। इसी के साथ मूवी सिर्फ हिंदी से जल्द ही 400 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने वाली है और नेट इंडिया कलेक्शन से 600 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने वाली है। तो आज बात करते हैं जवान ने अभी तक कितनी कमाई कर दी, कल डे 10 कैसा रहा मूवी का और आज 11वें दिन में ग्रोथ कैसी चल रही है, फर्स्ट डे कितनी कमाई करी, टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर सकती है मूवी, फर्स्ट वीक कितनी कमाई हुई और अभी तक कौन कौन सी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में एक एक करके। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना। अगर आप भी लगातार अपडेट चाहते हैं, बिग अपडेट चाहते हैं जवान से रिलेटेड, तो पहले उसके लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शाहरुख खान के मेन लीड में और सपोर्टिंग में नयनतारा और प्रिया मनी, सानिया मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर के जबरदस्त स्टारर से सजी फिल्म जवान, जिसमें आपको दीपिका और संजय दत्त के साथ साथ और भी मल्टीपल कैमियोज देखने को मिलेंगे, जबरदस्त तरीके से सजाई गई है इस फिल्म को। और इस पूरी टैलेंट पिटारे से भरी मंडली के चाबुक मास्टर हैं तमिल इंडस्ट्री के वन ऑफ द जाइंट डायरेक्टर अटली कुमार, जिन्होंने 300 करोड़ के खर्चे में इस मूवी को सजाया है, कंप्लीट करा है। डायरेक्शन इज सुपर मैजिक, बाय गॉड मैं फिर कह रहा हूं, अगर अटली ना होता तो शायद ये जवान ऐसी ना बन पाती, क्योंकि मास मसाला एक्शन थ्रिलर मूवी काफी समय से देखते आने पर ऐसी नहीं देगी। हाँ, साउथ के डायरेक्टर हैं तो साउथ का तड़का देखने को मिलेगा और वो ही मज़ेदार भी लगा। मूवी को आज पैन इंडिया रिलीज कराया गया है और मूवी पहले ही दिन से धमाका काट के रखी है आज 11वें दिन तक। तो जवान का कंटेंट सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा एक्शनल क्राइम थ्रिलर के बेस पर है और किंग खान बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के एक नहीं कई अवतार देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, SRK के मल्टीपल रोज आपको देखने को मिलेंगे एक ही मूवी में, यंग, मिडिल एज, मैच्योर, ओल्ड वन, नेगेटिव वन, ऑल आर देयर। ओके, तो बात करते हैं अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। फर्स्ट डे ह्यूज कलेक्शन किया सिर्फ हिंदी से, हिस्ट्री मेकिंग परफॉर्मेंस, 65.5 करोड़ की कमाई और ऑल इंडिया नेट से 74.5 करोड़ और पूरी दुनिया से पहले दिन 130 करोड़। दूसरे दिन भी अच्छी कमाई करी और तीसरे दिन फिर से हिस्ट्री मेकिंग परफॉर्मेंस किया, सिर्फ हिंदी से 68 करोड़ और पहले तीन दिन में ही नेट कलेक्शन 200 करोड़ और तीसरे दिन सिंगल डे में पूरी दुनिया से 144 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम किया, जो अभी तक का ह्यूज वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगल डे कलेक्शन है। तो पहले तीन दिन का पूरी दुनिया से कलेक्शन हो गया था 385 करोड़। बात करें डे 4 यानी फर्स्ट संडे में कैसी ग्रोथ रही, अमेजिंग रही, आग फाड़ ग्रोथ। अभी तक की सबसे बड़ी हिंदी कलेक्शन संडे से आई है 71 करोड़ की, जो आज तक सिंगल डे में किसी ने भी इतनी बड़ी कलेक्शन सिर्फ हिंदी से कभी नहीं करी, ना बॉलीवुड से, ना हॉलीवुड से और ना पैन इंडिया की किसी मूवी ने। इसी के साथ पूरी दुनिया से चौथे दिन में 135 करोड़ का कलेक्शन किया था और पहले चार दिन में ही पूरी दुनिया से 520 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था और फास्टेस्ट पहले चार ही दिन में 500 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने वाली बॉलीवुड इंडस्ट्री हिंदी सिनेमा की पहली मूवी बन चुकी थी। साथ में चार ही दिनों के अंदर अंदर दृश्यम 2, वॉर, ब्रह्मास्त्र, रईस और चेन्नई एक्सप्रेस के लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को भी बीट डाउन कर दिया था। इसी के साथ पांचवें और छठे दिन में अमेजिंग ग्रोथ रही, पहले छह दिन में 306 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था सिर्फ हिंदी से और नंबर वन मूवी बनकर उभरी अगेन, जिसने छह ही दिन में सिर्फ हिंदी से 300 करोड़ के आंकड़े को टच किया था और पहले छह दिन में नेट कलेक्शन 345 करोड़ का हो चुका था और पहले छह दिन में ग्रॉस कलेक्शन 415 करोड़ और पूरी दुनिया से 615 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था मूवी ने पहले छह दिन में ही। और यहां तक बजरंगी भाईजान और सुल्तान के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी खदेड़ दिया था सिर्फ छह ही दिनों में। इसी के साथ पहला हफ्ता शानदार तरीके से कंप्लीट करते हुए पहले सात दिन में सिर्फ हिंदी से कमाई करी थी 327 करोड़ और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन फर्स्ट वीक में कंप्लीट करा था 368.55 करोड़, इट मींस 369 करोड़ के अराउंड में। इसी के साथ पूरी दुनिया से फर्स्ट वीक में मूवी ने 660 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम कर लिया था और यहां तक
पहले हफ्ता खत्म होते होते पद्मावत और धूम 3 के भी रिकॉर्ड को बीट डाउन कर दिया था मूवी ने। इसी के साथ डे 8 में की बात करते हैं तो डे 8 में हिंदी से सिर्फ 17.25 करोड़ की कमाई करी थी और पहले 8 दिन में सिर्फ हिंदी से 346 करोड़ के आंकड़े को टच किया था और पूरी दुनिया से जवान ने पहले 8 दिन में 697 करोड़ की ह्यूज कलेक्शन अपने खाते में रख ली थी। इसी के साथ डे 9 की अगर बात करें तो सिर्फ हिंदी से 18.10 की कमाई करी थी 9 दिन में और पहले 9 दिन में ही 366 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ हिंदी से कर लिया था और ऑल इंडिया नेट से 410 करोड़ और टोटल अभी तक पहले 9 दिन तक कर लिया था 735 करोड़ के आंकड़े को। अगेन ह्यूज कलेक्शन। इसी के साथ बात करें कल यानी सेकंड सैटरडे की यानी 10वें दिन की कैसी ग्रोथ रही, आग फाड़ ग्रोथ रही। सैटरडे का फायदा फुल उठाया और सिर्फ हिंदी से 30 करोड़ की कमाई पहले तो अपने खाते में लाने में सफल रही और क्रॉस कलेक्शन 40 करोड़ कमाते दिखी और इसी के साथ मूवी पहले 10 दिन में ही 396 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ हिंदी से करा और पहले 10 दिन में ही नेट इंडिया कलेक्शन 442 करोड़ के आंकड़े को कवर अप किया और पूरी दुनिया से 795 करोड़ का कलेक्शन ऑल ओवर वर्ल्ड से अपने खाते में रख लिया था। बात करें आज यानी डे 11 यानी सेकंड संडे की कैसी ग्रोथ है, अमेजिंग ग्रोथ है। आज तो रिकॉर्ड फाड़ ग्रोथ है, संडे का फुल फायदा उठा रही है। जी हाँ दोस्तों, फुल डे ओवरऑल 42% की ऑक्यूपेंसी के साथ मूवी इवनिंग और नाइट में आज कल से ज़्यादा हाउसफुल के शोज के साथ बैनर लगाकर ट्रेंड कर रही है और एडवांस में ही 11 करोड़ का कलेक्शन रखते नजर आई है और एंड ऑफ द डे तक लगभग नेट इंडिया कलेक्शन 35 करोड़ का कर लेगी। इसी के साथ पहले 11 दिन में ही आज मूवी एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट से 477 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी और पूरी दुनिया से पहले 11 दिन में ही 850 करोड़ के आंकड़े को टच करने में सफल हो जाएगी स्लाइटली और मे बी 850 करोड़ के आंकड़े को भी कवर अप कर जाए, क्रॉस कर जाए। बाय गॉड। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। आप लोगों को क्या लगता है कि अगले संडे तक क्या मूवी 1000 करोड़ के आंकड़े को टच करेगी या क्रॉस कर जाएगी या फिर 1100 करोड़ पहुंच जाएगी या फिर 1000 करोड़ से नीचे ही रह जाएगी? आप लोगों की क्या क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। इसी के साथ लाइफ टाइम कलेक्शन का प्रिडिक्शन भी आप लोग देखे जाना कि क्या मूवी 1500 करोड़ टच कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब पहले के मुकाबले, पहले 4 दिन के मुकाबले ग्रोथ स्लो होते आई है, लेकिन अभी आप लोगों की क्या होप है, क्या 1500 करोड़ टच करेगी या नहीं करेगी, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।